हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। इलाहाबाद से लौट करके आए एक हफ्ते में, देखा घर की ऐसी की तैसी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर थी और काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई करने को भी है। सुबह 4 बजे अपनी ट्रेन पहुंची इधर एंड वी थॉट कि सोते हैं, उठेंगे, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करेंगे। तो मैडम जी ने ब्रेकफास्ट बनाया, कांदा पोहा विदाउट कांदा नहीं भाई, अब जितना कांदा बचेगा घर में उतना ही बनेगा इस बारिश में। ये देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अब इस बारिश में किधर लेके जाऊँगा, लेने जाऊँगा मैं कांदा, बताओ जरा किधर लेने जाऊँगा मैं कांदा, किधर लेने जाऊँगा? बाज़ार से। सब बाज़ार बंद ही होगी, सब देख रही हूँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं नहीं मिल रहा। तो यस, वी डिसाइडेड टू हैव अ ब्रेकफास्ट लाइट, उसके बाद साफ सफाई का काम शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो बिखरी पड़ी हुई हैं, बस उसको सेटल करना है। साफ सफाई वाला तो बंदा आएगा, वो करेगा साफ सफाई। दिन की शुरुआत कांदे पोहे के साथ। नमक ज़्यादा है क्या? सरों के बीज होते हैं वो होते हैं, ये राई नहीं थी। इसे पंजाबी में बोलो क्या बोलूं? सरों दे बीज, राई को कहते हैं सरों दे दाने। व्हाट डज बाजरे दा सिट्टा मीन? आई डोंट नो। यू शुड नो। नो, व्हाई नो? आई डोंट वांट टू नो दिस मैन। पंजाबी हो, तुम्हें आना चाहिए ये सब। मुझे पता है, मैं क्यों बताऊं, सब दुनिया को सबको पता है। मुझे नहीं पता है, मुझे बताओ तुम। सोन पापड़ी खाओ, तुम्हारी फेवरेट। पति से बस वही है यार, अब क्या करें, यही है जो भी है, यही है खानी है ना, तुम ही खाओ अभी। मतलब दोनों मत खा लेना, एक छोड़ देना। मैं दोनों खाऊंगी, एक छोड़ देना। अभी मना क्यों किया? ज़्यादातर गिफ्ट ओपनिंग तो हम लोगों ने वहीं पे कर ली, कुछ गिफ्ट से जो यहीं पे रखे चले गए थोड़ी घर में, तो वो खोले जा रहे हैं। अरे वाह, ये पता क्या है? टी सेट। टी सेट, लेकिन मैं तो चाय पीता हूँ। कॉफ़ी पीते हो? नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी? मैं रात भर कहाँ सोई थी, ट्रेन में घर पे आके एक घंटा, ट्रेन में एक घंटा सोई हूँ ना, 2 से 3, उसके बाद घर पे आके सोई हूँ 4 से 8। कितना? तो हम लोग चिड़िया उड़ खेलेंगे। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, हेलीकॉप्टर उड़। उड़ता है हेलीकॉप्टर? अच्छा नहीं उड़ता है? वो उड़ाया जाता है, लेकिन उड़ता तो है ना। हाँ ठीक है, तो हेलीकॉप्टर उड़, एरोप्लेन उड़, मोदी जी का हेलीकॉप्टर उड़। वो क्यों? स्पेशल है भाई वो। अभिनव का दिमाग भी उड़ा पड़ा है तुम्हारा दिमाग, ये सब गंद देख कर। जितना कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अब कुछ नहीं उड़ाओ, चलो शुरू करो, फिर से करो कुछ कुछ। अब नहीं, अब काम करेंगे। तो अभी तक क्या कर रहे थे? मस्ती कर रहे थे। बहुत बड़ी समस्या हो गई है, GoPro का SD कार्ड में कुछ एरर आ गया है, फॉर्मेटिंग मांग रहा है। 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड करी अपन ने, लेकिन वो रिकॉर्ड हुई नहीं। तो ये सामान वगैरह की सेटिंग रोकते हैं और इसके SD कार्ड को सही करने के लिए इसको कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। यार ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ, कई लोग बताते थे कि GoPro के साथ ये इशू है कि कभी कभी SD कार्ड के साथ खिलवाड़ कर जाता है। लेट्स सी क्या इशू है, उसको फिक्स करते हैं। I got this new computer chair thanks to Ayush, sponsored by him. थोड़ी सी ये गंदी है, उसकी साफ सफाई हो रही है। क्या कर रही हो तुम? झाड़ू। बारिश रुक गई लेकिन अपने साथ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी छोड़ गई है पीछे। इधर देखो पूरा पानी वानी भर गया है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अपन सुबह 4 बजे आए, उसके बाद से पूरी बारिश तेज़ बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते एक प्रॉब्लम ये हो गई कॉलोनी में कि कुछ वोल्टेज का इशू हो गया है, बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, और इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से कई चीज़ें ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे फ्रिज है और AC वगैरह ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अपने को ये लग रहा है कहीं वो अप्लायंसेस ख़राब ना हो जाए वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से, पता नहीं वो कब बनेगा। अभी गेटकीपर से भी बात हुई मेरी, उसने बोला कि अभी बंदे आएंगे बनाने वाले, भैया बारिश हो रही है, लेकिन अब तो बारिश रुक गई है, जल्दी आना चाहिए बनवाने के लिए किसी को। यार बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, फ्रिज नहीं चल रही, सबसे बड़ा इशू तो यही है, क्योंकि अपने को ठंडा पानी ही मांगता है भाई पीने को। पूरा गंद मचा रखा हुआ है पूरे घर में, लेकिन जब ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा, सामान अभी आ जाएगा, कुछ फर्नीचर्स हैं वो अभी आएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएगा घर, जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी।
राइट एम आई राइट बोलो आई एम राइट बोलो बेबी बोलो राइट राइट यस नहीं बहू बर्तन मांजते हुए यार तुम नहीं रही नहीं वैसे क्या नहीं एक हफ्ता भी नहीं हुआ मेरी शादी को एक हफ्ता हो गया बस तो यार वो बिजली वाला काम नहीं कर रहा है बंदा उसको कितनी बार कॉल किया कि आ जाओ एक्चुअली पूरे कॉलोनी का ही ऐसा कुछ सिस्टम है मेरे घर का अकेले का नहीं है फैन भी तेज नहीं चल पा रहा है वोल्टेज की वजह से देखो कितना धीरे धीरे चल रहा है एसी नहीं चला पा रहे हैं फ्रिज नहीं चला पा रहे हैं ग्रीन ऑलवेज लुक्स मच ग्रीनर इन रेनी सीजन देखो तो मेरा यूजुअल सफाई वाला छुट्टी पे है तो दूसरा बंदा है उससे सफाई कराता हूँ उसको जो थोड़ा बहुत होगा लेना देना कर दूंगा A few inches later. सुबह जब मैं आया था तो इसका कवर फटा हुआ पाया था मैंने आधा गिरा हुआ पाया था और ये तो एकदम बुरे हाल में है ये तो पूरा मट्टी वट्टी लग चुकी है जा रहा हूँ थोड़ा कुछ सामान सुमून लेने सब्जी वगैरह सब खत्म है हालत बड़ी ख़राब सी लग रही है क्या करें यार अपने से गंदी बाइक बिल्कुल नहीं चलती है एक हफ्ते बाद आज इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स मिलता है चोक ऑन कर लिया जाए क्या आलू बहुत बड़े मत रखो यार प्याज है कैमरा है दादा तुम्हारा वीडियो बना रहे तुम सब्जी सही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो एक ब्रेड दे दीजिए छोटी बड़ी नहीं और एक दही का पैकेट दे दीजिए कितना हो गया अभी ताज़ा सूत्रों से पता चला है कि लाइट सही हो गई है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार वरना उसके बिना खासकर फ्रिज नहीं चल पा रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है सब्जियाँ आ गई हैं सब्जियाँ चॉप भी हो गई हैं आई एम प्रिपेयरिंग क्विक लंच तहरी बनाने का प्लान है कुकर चढ़ चुका है मैडम गई हैं नहाने धोने को साफ सफाई भी ऑलमोस्ट हो गई है ऑलमोस्ट क्या पूरी तरीके से हो ही गई है नहा धो के एकदम फ्रेश लग रही है बच्ची है पापड़ भून लो सैलड तुमने काट ही दिया है धनिया क्या करोगी तुम धो के रखूंगी अच्छा ऐसे नहीं रखती धनिया को ठीक है प्रेशर भी इसमें से निकल चुका है बस मैं रेडियो के टेबल पे पहुंचता हूँ ओके मैडम जी की कृपा से तहरी पापड़ सैलड दही भी लेना मगर दही नहीं लिए राइट अचार लेना है नहीं नो अचार नो जी हाँ देखो ये है लिफ्ट देखो जा पाएगा इससे कितना गहरा है कितना क्या है फ्रेंड्स आज का दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा बहुत ज़्यादा थकान भरा भी रहा फर्नीचर आया उसको रखवाया सेटल कराया सुबह सब्जी वगैरह नहीं थी ये सब लाए करे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर टाइम पे मेरे इन-लॉज आ गए थे उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ इतने टाइम बाद मुलाकात हुई उनसे एक डेढ़ हफ्ते बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया फैमिली के साथ सबके साथ तो आज के लिए आई थिंक यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करो नेक्स्ट ब्लॉग कल शूट करेंगे क्योंकि अपन को वहाँ एक ट्रिप पे निकलना है नहीं तो कल अपन शूट करेंगे ना पैकिंग वैकिंग करते हुए थोड़ा सा दिखाएंगे ना कि हम क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं ये सब ठीक है नहीं पैकिंग दिखा सकते हैं मैं ये थोड़ी बताऊंगा क्योंकि कहाँ जा रहे हैं वो सरप्राइज होगा कि कहाँ जा रहे हैं तो आज के लिए ब्लॉग इधर ही समाप्त करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से टिल देन टेक केयर गुड नाइट लिव टुडे एंड लव टुमारो टेक केयर गाइज बाय 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 बाय